हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देशभक्ति संगीत के बीच अधिकारी व कर्मचारियों ने किया श्रमदान। संभागीय आयुक्त के आह्वान पर कलेक्ट्रेट के पार्कों का सौंदर्य निखारा, छाया व फलदार पौधे लगाए। कलेक्ट्रेट परिसर में आज सुबह एक अलग ही नजारा देखने को मिला। यहाँ एक तरफ देशभक्ति संगीत बज रहा था तो दूसरी तरफ उस संगीत की धुन के साथ सैकड़ों अधिकारी व कर्मचारी पार्कों में श्रमदान कर रहे थे। उन्होंने आज सुबह करीब 5 घंटे तक संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा के आह्वान पर कलेक्ट्रेट के पार्कों का सौंदर्य निखारा। इसके साथ ही विभिन्न प्रजाति के फलदार व छायादार पौधे लगाए। श्रमदान में कई विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने भागीदारी निभाई। अपर जिला कलेक्टर ML नेहरा ने बताया कि आज सुबह 6 से 11 बजे तक संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा के निर्देशन में कलेक्ट्रेट परिसर के पार्कों को निखारने व साफ सफाई के लिए अधिकारी व कर्मचारियों ने श्रमदान किया। यहां बदहाल पार्कों को साफ करके उसका सौंदर्य निखारा गया। प्रशासनिक अधिकारियों के कानों में एक ओर जहां देशभक्ति संगीत गूंजता रहा, वहीं दूसरी ओर हाथों से श्रमदान कर रहे थे। कलेक्ट्रेट परिसर में कचरे से अटे 3 पार्क जो बदहाल हो रहे थे, उन्हें साफ किया गया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी समस्या लेकर आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा रहती है, ऐसे में उनके बैठने के लिए बने 3 पार्क बदहाल होने से श्रमदान करके साफ किए गए हैं, जिसे यहां आने वाले फरियादी आराम से छांव में बैठ सके। श्रमदान में संभागीय आयुक्त के साथ ही नगर निगम, जिला परिषद, JDA, रसद विभाग, पुलिस, शिक्षा व चिकित्सा विभाग सहित अन्य कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों ने श्रमदान किया। कलेक्ट्रेट संभागीय आयुक्त परिसर में बहुत सारे जो आवेदन है, फरीक है, प्रतिदिन आते हैं 1,000, 2,000, 5,000 के लगभग, और उनको यहाँ पे रुकने के लिए अच्छा वातावरण मिले, पेड़ों की छाया मिले, बैठने के लिए बेंचेस मिले, साफ सफाई मिले, ठंडक मिले, इस सब के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।